दो बार उत्तर पूर्वी भारत के किसी जिले में आए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में उत्तर पूर्वी भारत के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के उन जिलों के लिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विशेष तौर से उनके मन में यहाँ पर बहुत अधिक विकास करने की बात है, जिसके कारण से 14 से लेकर के अब तक 24 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर 50 बार से अधिक बार आए हैं। किसी प्रधानमंत्री का किसी राज्य में, किसी जिले में जाने का अर्थ होता है वहाँ के विकास को गति मिलती है। इसी बात से समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में उत्तर पूर्वी भारत के विकास उनकी प्रायोरिटी पर है। और इसी निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऐसा कहा है कि हर 3 महीने में एक बार एक मिनिस्टर उत्तर पूर्वी भारत के एस्पिरेशनल और दूसरे जिलों में जाएंगे विकास की गति को देखने के लिए, वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए और उसका समाधान देने के लिए। उसी निमित्त मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और 2 जिलों का प्रवास, दरंग में मैं आज यहाँ आया हूँ। आज सारा दिन मैंने अभी किसान भाइयों से बात की है, यहाँ के सीनियर सिटीजन से अलग से बात की है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, महिलाएं हैं, उनसे अभी बात की है। और अभी यहाँ के विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग विभाग हैं, हमारे DC साहब भी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी जानकारी लूँगा। जो इससे पहले वेस्ट कार्बिलोंग जिला में मेरा जाना हुआ, कल हम वहीं थे, परसों वहीं थे, वहाँ पर भी वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम के बारे में समझा है, PWD के विकास क्या क्या होना है उसके बारे में जाना है। इस निमित्त मेरा यहाँ का प्रवास अभी दरंग में है और यहाँ के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है प्रधानमंत्री जी को, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को, जो हर घर नल से जल योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। मेरे को बहुत खुशी है ये बताते हुए कि वेस्ट कार्बिलोंग जिले में भी उसमें 51% घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मैं आज अभी दरंग जिला के भी अभी पास के गांव में नल से जल वाली योजना को देख के आया हूं। उस गांव में 100% घरों में, 100% घरों में नल से जल पहुंचा है और हमारे इस ज़िले में 700 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जल जीवन मिशन के लगे हैं। यहाँ के लोग इस बात से बहुत प्रसन्न है कि शुद्ध साफ पानी उनको मिलता है। किसानों ने बताया कि किसान सम्मान निधि उस समय मिलती है जब उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज प्रधानमंत्री जी का विज़न और उनकी सरकार के सभी मंत्रियों की देखरेख में उत्तर पूर्वी भारत में विकास की गति एकदम से बढ़ी है। मेरे जिम्मे रोड और हाईवेज भी है। पिछले 10 वर्षों में 90,000 किलोमीटर हाईवेज भारत की सरकार ने नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में देश को दिए हैं। असम में भी नेशनल हाईवेज का जाल लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को लगता है कि दरंग जिले में भी एक 4 लेन का हाईवे होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी मिली है, उसको सरकार को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी काम जल्दी प्लानिंग में आए और उसको हम शुरू करें। रेलवे स्टेशन की बात है, रेलवे स्टेशन आज मेरी जानकारी में आया है, हमारे यहाँ के बहुत यशस्वी सांसद आदरणीय दिलीप भाई ने भी अपनी बात रेलवे मिनिस्टर साहब को रखी थी, तो उसकी फिजिबिलिटीज चेक करके उसको भी प्रयास करेंगे कि ये जिला भी रेलवे से कनेक्टेड हो। जी कोनो खबरर बारे जुगाजुग करक 7091-17330 अथवा 7090-17990 नंबरत।